ये कमर में दबी हुई नस को कैसे ठीक करें? ये एक पेशेंट है, साइटिक नर्व का प्रॉब्लम है इनका। ये अब दोनों पैर ऐसे बेंड रखो, ऐसे ऐसे पैर बेंड रखे, हम इधर कप लगा के कपिंग करके इनका नस खोलेंगे। ये L4 L5 S1 में हम कप लगाएंगे, कप लगा के इनका नसें खोलेंगे। इनका ये दर्द पैर तक है। साइटिक नर्व जो है हमारा शरीर का सबसे बड़ा नर्व है। ये हमारा इधर से ये इसका कनेक्शन है। और अब पैर सीधा रखो और यहाँ से आके और यहाँ से ये पैर का यहाँ तक आते। तो अभी फिलहाल इनको इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका कनेक्शन दोनों पैर में है। इधर से नीचे तक सबसे बड़ा नर्व होते हैं ये। उसके बाद इसको रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करके दोबारा लगाएंगे। मैम, मेरे को सुबह सुबह बहुत दर्द होता है, सो सुबह क्यों? सुबह स्टिफनेस है, इस वजह से सुबह सुबह दर्द होते हैं। ये कपिंग करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये कपिंग कितने बार करना चाहिए? कपिंग तो हफ्ते में 2 दिन करना चाहिए। ये मैम, एक बार मैं जिम कर रहा था, उस टाइम पे हाँ, से ये दर्द। जिम करके ये नस दब गया आपका, ये डिस्क के बीच में नस कंप्रेस हो गया है। ये कंप्रेस हुआ हुआ नस को हम ऐसे खोलते हैं कपिंग करके। ये हमारा डिस्क है, डिस्क का जो L4 L5 S1 है, S1 में ये नस दबी हुई है इसलिए इतना पेन है आपको। झुकने में भी आपको पेन हो गई होगा। हाँ, तो ये कपिंग करके हम निकालेंगे इसको। निकाल के फिर आपको मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगी तो उससे भी फर्क पड़ेगा। देखो ये कलर देखो, इधर सर्कुलेशन कम हो रहा है क्योंकि नस दबी हुई है यहाँ। ये कलर देखो डार्क हो रहा है। और फिर हम इसके साथ में आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। ये नस को, दबी हुई नस को हम ऐसे प्रेशर देंगे। प्रेशर दे के इसमें सर्कुलेशन बनाएंगे। पैर ऐसे करने से ये रिलैक्स मिलेगा। ये रिलैक्स होने के बाद हम ये करने से इसमें सर्कुलेशन बनेगा। या पैर अभी ठीक। अब एक्सरसाइज जो है आपको, ये एक पैर इतना डिग्री उठाना है, उसके बाद नीचे रखो इसको, दूसरा पैर। ऐसे अदल बदल के 2 एक्सरसाइज करना है। अब आप सीधा लेटोगे। बीच में आ जाइए। अब मैं टेस्ट करूंगी आपको, ये पैर उठाने में आपको पेन होते हैं क्या? नहीं होते हैं? अच्छा, इसमें अब आप पैर दोनों बेंड रखिए, दोनों पैर। ये एक्सरसाइज आपको घर में भी करना है। इतना गैप में रखना है दोनों पैर और ये 60 डिग्री ऐसे करना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये। ये दोनों एक्सरसाइज करके अब दोनों पैर साथ में रखेंगे, मिला के रखेंगे। और उसके बाद इतना ये आप अपने आप कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। ठीक है,
ऐसे करके, ये तीन एक्सरसाइज है साइटिक नर्व को ठीक करने के लिए। हाँ थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ आराम लग रहा है, आराम जरूर होगा। हाँ ठीक है, ये तीन एक्सरसाइज से आपका ये ठीक हो जाएंगे। हमारा जो साइटिक नर्व है, हमारा L4 L5 S1 में, ये साइटिक नर्व कंप्रेस होने से हमारा पूरा पैर तक दर्द होते हैं। वो दर्द जो ठीक करने के लिए कई बार डॉक्टर को दिखाएंगे, MRI में जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम निकलते हैं, तो वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ऑपरेशन बताते हैं। ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हम कपिंग कर से करके आराम से ये निकाल सकते हैं, ये दर्द को ठीक कर सकते हैं। आप मेरे को कॉन्टैक्ट करने के लिए देखो करनाल प्लस में इस नंबर में कॉल करोगे तो मेरे को मिल जाएंगे। मेरा नंबर, नाम बता दीजिए मैम अपना। मेरा नाम है डॉक्टर हेमा पणिकर, मैं बसंत गुंज दिल्ली में हूँ।